अगर कहते हैं कि भाजपा ने आपको ठगा है, अगर आप कह रहे हैं कि आरजेडी ने ठगा है, तो इतना संकल्प लीजिए कि उन दोनों के साथ नहीं जाइएगा। जब तक वोट का चोट नहीं कीजिएगा, तब तक नेता सुनने वाला नहीं है। लिख कर रखिए, हमने दल नहीं बनाया है। हम आपको इतना जरूर बता रहे हैं कि आपको आपका अधिकार कैसे मिलेगा। अपने बच्चों के नाम पर खड़े होइए, सजग बनिए, नहीं तो आपके बच्चों की चिंता कोई नहीं करेगा। तो अगर आपने इनको हरा दिया, 2 महीना के अंदर पूरा बिहार से शिक्षकों को इकट्ठा करके आंदोलन हम शुरू करेंगे। अगर आपका काम नहीं कराए, इनको झुका नहीं दिया, तो आपसे कभी जीवन में समर्थन मांगने नहीं आएंगे। नमस्कार, सभी को मेरे ओर से प्रणाम। हमारी पदयात्रा की जो मजबूरी है कि हम आप तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि जब तक पूरा बिहार, गांव, शहर, कस्बा, देहात, हर जगह पैदल चल के नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। एकरे वजह से रुवा कष्ट भइल कि रुवा गाड़ी से ही जावे पड़ल ना, तो हम ही रुवा यहाँ आई थी। अब जितना आदमी आप लोग यहाँ आए हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जे आइल बाबू सोचता कि बुझाता कि अब बिहार में ये वो नया नेता पैदा हो गए, बाबू नया विकल्प बनावता, कोई तीसरा विकल्प कहता, कोई सोच रहल बा कि जरूर चुनाव के कोनो बात होई, इतना गाड़ी छकड़ा इंतजाम करके आपको यहाँ बुलाया गया है, जरूर प्रशांत किशोर वोटे मांगे के बात करिए। तो पहला बात आपको बता रहे हैं कि हम आपसे वोट मांगने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। किसी के पक्ष में वोट देने के लिए आपसे अपील भी नहीं करेंगे। आप पहले समझिए कि हम आपसे मिल क्यों रहे हैं। हम जब से चले शुरू कैले बानी, शायद ही कोई ऐसा दिन गया है जब कोई ना कोई शिक्षक समूह हमसे न मिला हो अपनी परेशानियों को लेकर, कि आप कितने परेशानी में जी रहे हैं। कौनो ऐसा दिन नहीं खे गई जब हमने के कौनो वित्त रहित विद्यालय में अपन कैंप नहीं खींचा लगे। ज्यादातर जगहों पर हम लोग विद्यालयों में ही रुकते हैं, शिक्षक समुदाय के बड़े समूहों से मिलते रहे। जब से हम चलो तनी आदमी ये कहता कि भैया हमने के बहुत परेशानी में बानी जा, रउआ आवाज उठाई। हम पूछते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, तो सब आदमी कहला रहे रउआ तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनावो तनी, अगर हमने के आवाज उठाई तो हमनियों के काम हो जाए। तो हम महीनों तक लोगों को ना कहकर भेजते रहे कि भाई हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई झूठा आश्वासन नहीं दे सकते, क्योंकि हमको बिहार की राजनीति और शिक्षकों की स्थिति का थोड़ा बहुत ज्ञान है। 2015 में हम यहाँ आई रही तो सारा शिक्षक समुदाय सुशील कुमार मोदी और भाजपा के आश्वासन पर कमल का झंडा लेकर घूम रहा था। आप लोगों ने पूरी ताकत से भाजपा को की मदद भी की, लेकिन शिक्षकों की दुर्दशा देखिए, आप जिसको वोट देते हैं वही चुनाव हार जाता है। यही में गूढ़ मंत्र छिपल बा हमने के दुर्दशा के। आपने 15 में भाजपा को वोट दिया तो भाजपा उतर गई 55 पर, लेकिन संजोग देखिए, ऊपर वाले ने आपके सामने ये अवसर देना था कि आप अपनी आंखों से देखिए कि आप किस गलती पर जा रहे थे। 17 में सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के कृपा से दल बदलू पलटू राम वाली प्रक्रिया के वजह से सुशील कुमार मोदी वही भाजपा सरकार में आ गई, और 17 से 22 तक भाजपा बिहार में और देश में दोनों जगह सरकार में रही, लेकिन उन्होंने आपका काम नहीं किया।
फिर शिक्षक लोग खिसी अलन जा कि हमारा के भगत अड़ जा, अब की आली तेजस्वी यादव के जिता दिहल जाए। जैसे ही शिक्षक लोग ठान लेलस कि अब की आली ललटेन के जिताई, वही दिन लिखा गया कि ललटेन ना जीत सके। तो इस बार आपने ललटेन को वोट दिया तो तेजस्वी यादव हार गए। तो शिक्षक लोग फिर मन महसूस लेलन कि क्या कर जाओ, अब की तो जौना पार्टी पर दाव लगे नहीं जाओ, फिर घोड़ा हार गई। लेकिन संजोग देखी नियति, फिर वही नीतीश कुमार का आप लोग धन्यवाद दीजिए, वो वेतनमान देश चाहे ना देश मौका जरूर देता रहा। नीतीश कुमार ने अब आपको तेजस्वी का सच दिखा दिया, फिर पलटी मरलन। तो अब की आली शिक्षक के बुझाई कि चलो भाई अब लॉटरी लाग गई, अब की आली तो ईमानदारी से हमने के मेहनत कैले बानी जा, तो चलो सुशील कुमार मोदी भाजपा तो धोखा दे दिलस की लोग कुछ करी हन जा। बड़ा उत्साह में शिक्षक लोग एक दो महीना आशा भरी नजर से देखत रहन जा। कुछ लोग उत्साही लोग डाक बंगला पर पहुंच गए तो लाठी खा के लौट आए। तो अब जब दोनों ओर से विश्वास टूट गई तो आदमी खोजत हन शिक्षक कि अब ये बचल बजे हमनी के ठगी। तो अब लवकलन प्रसाद किशोर, हमनी के नेता लेखा सन ठग, हमनी के अपने से खोजत हन कि आवर भैया ठगल। हमारा के यहाँ के शिक्षक लोग कहता ये भैया आप ही हम लोग का न्याय दिलवा सकते हैं, आपके साथ हम लोग पूरी तरीके से हैं। तो हम रोज कहते हैं कि आपको कैसे मालूम है कि आपको हम फिर नहीं ठगेंगे। आप बिहार के सबसे प्रबुद्ध समाज से आते हैं, प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, हमारे पास दल भी नहीं है, हम तो मुखिया सरपंच भी नहीं है, लेकिन आप हमको पकड़ के अपना भाग्य सुधारना चाह रहे हैं। जबकि आपके भाग्य की सुधारने की चाबी आपके हाथ में है। आप चाहते हैं कि प्रशांत किशोर फिर आपको ठगे। यही से हम कहते हैं कि हम राय और मदद ना करो। एक दो महीना हम भगावत रहनी सबके, लेकिन यहाँ के सारे शिक्षकों ने तय किया ना ना भैया हमने मदद करी। तो हमने आपको दो ही शर्त रखी है। आपके जिले से भी लोग आए थे, हमको 1000 से ज्यादा शिक्षक आए थे मिलने। उस समय भी हमने उनको दो ही शर्त रखा कि आप ईमानदारी से अगर कहते हैं कि भाजपा ने आपको ठगा है, अगर आप कह रहे हैं कि आरजेडी ने ठगा है, तो इतना संकल्प लीजिए कि उन दोनों के साथ नहीं जाइएगा। इतना तो बात ठीक बा भाई, इतना तो होके चाहिए ना। रउआ सब तो पढ़ावत नहीं जा दूसरा के, एमें तो कौनो ज्ञान के बात नहीं है। हमने दल नहीं बनाया है, हम वोट नहीं मांग रहे हैं। हम आपको इतना जरूर बता रहे हैं कि आपको आपका अधिकार कैसे मिलेगा। वो अधिकार प्रशांत किशोर नहीं दिला सकते हैं, आप अपना अधिकार ले सकते हैं, हम रास्ता दिखा सकते हैं। रउआ पढ़ता नहीं, न्यूज में सुनता नहीं कि मोदी जी के मदद करके जिता दिलन, ममता बनर्जी नीतीश के जिता दिलन। तो भैया हम कहता नहीं कैले हो, हम तबे न जीतल बढ़न, करना तो उन्हीं को पड़ा होगा ना। लेकिन शिक्षक समाज को कोई नहीं समझा सकता। आप लोग तो गुरु जी हैं, आप लोग नहीं समझिएगा। हमने इतने समझाया है कि आप कह रहे हैं कि हम आंदोलन करें, ऐसा रणनीति बनाएं कि आपका अधिकार मिल जाए। तो हमने बताया है कि हम आपको ये करके दे देते हैं। करने के लिए हमने एक ही शर्त रखी है कि जो दो दलों ने आपको ठगा है पहले उसको छोड़कर दिखाइए, उसको छोड़कर दिखाइए। ना तो बिहार में सब कोई यह चाहता कि कोई अभिमन्यु के तरह आगे चढ़ जाओ। हम रास्ता में चलत अनित आदमी कहता भैया रुआ आगे बढ़ी, रुआ संगे तन मन धन से बानी जाए। तो हम इतना बुर्बक बानी। अरे बिहार में जो लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, आपका लड़का पढ़ने जा रहा है तो पढ़त नहीं के पिलुआ वाला खिचड़ी खाता, खा के घरे आ जाता। आपका लड़का पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है,
लेकिन आपको भारत पाकिस्तान पुलवामा हिंदू मुसलमान जात दिख रहा है, अपने लड़के की बेरोजगारी नहीं दिख रही है। तो आप जब अपने लड़के के साथ नहीं खड़े हैं तो प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होइएगा। इतना बुर्बक हमरा के मत बूझी। अरे हम आप ही लोग के पढ़ाए हुए सरकारी स्कूल बक्सर से निकलल बानी, इंग्लैंड से नहीं पढ़ सरकारी स्कूल से, जेकरा के आदमी कहते कि गुरुजी कुछ नहीं खन पढ़ाव। अरे इसी बिहार के गुरुजी लोगों ने जो हमको पढ़ाया है तो देश भर में झंडा गाड़ कर आए। गुरुजी लोग कुछ पढ़ाते नहीं खन तो हमने के कैसे पढ़ल बानी जा। भोजपुरी बोलते बानी, हिंदी बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, जर्मन समझते लिखते हैं। ये आपकी आप जैसे गुरुओं ने पढ़ाया है, कहीं प्राइवेट स्कूल में नहीं की पढ़ा। तो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए आंदोलन है डाक बंगला पर बैठना, आपके लिए आंदोलन है धरना पर बैठना, हमारे लिए आंदोलन है कि किस बात से नेता पर असर पड़ेगा। तो नेता करवा देख ली, चाहे 5 वर्ष बैठ के गरियाई, घर में बुला के दू जूता मारियो भी, वोटवा दे दे तो ओकरा कोनो दिक्कत नहीं, वोट आपको दे देना है। तो शिक्षक लोग एक यही गलती कर रहे हैं, आप 5 वर्ष भाषण दे रहे हैं, नेता के खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी प्रताड़ना के बारे में चर्चा कर रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, एक एक चीज नहीं कर रहे, नेता को वोट से नहीं हरा रहे। जब तक वोट का चोट नहीं कीजिएगा तब तक नेता सुनने वाला नहीं है, लिख कर रखिए। अभी जितना आदमी बालन जो कहता कि महागठबंधन में हमने के तेजस्वी के नेतृत्व में ठगा गई नहीं जा, कुछ आदमी तो लाठियों खा के आई बा और फिर महागठबंधन के जाके वोट देता। अब हमारा ये समझ से परे बा कि भैया वह पढ़ल लिखल आदमी बानी, आप अपने दोनों बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको भाजपा ठगा है और आप कह रहे हैं कि आपको महागठबंधन ठगा है, और उसी का प्रचार में झंडा लेके घूमियो रहे हैं। फिर वही बात, क्या करी भैया इनकर बाबूजी हमारा ऊपर बड़ा एहसान कैले बड़ा। अरे भाई तो बाबूजी के एहसान पर लैका के जितावता नहीं तो रुआ अपनो लैका के चिंता कर ली। ये भी सोच लीजिए कि आपके लड़के के लिए कौन खड़ा होगा। जब आपको पेंशन नहीं मिलेगा, जब आपको महीनों से वेतन नहीं मिलता है तो आपके बच्चे के लिए कौन खड़ा होता है, ये भी चिंता कर लीजिए। कोई नहीं खड़ा होगा। रुआ दूसर के लैका के झंडा लेके घूमता नहीं, कोई विचारधारा के नाम पर, कोई दल के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई संघ से जुड़ल बा। अरे भाई एक बार अपने बच्चों के नाम पर खड़े होइए, सजग बनिए, नहीं तो आपके बच्चों की चिंता कोई नहीं करेगा। जब सैलरी रवा नहीं मिला तनखा तो कोई विचारधारा कोई नेता आपके घर पर व्यवस्था करने नहीं आ रहा है, आपको खुद ही करना पड़ता है। और आज विचारधारा के नाम पर जब आप वोट दे दीजिएगा, अब आपको समय आया है उनको चोट पहुंचाने का। तो हमने तय किया है कि आप किसी एक निर्दल को जिता दीजिए, बोली से नहीं, वोट से दिखाइए कि आपको महागठबंधन और भाजपा ने ठगा है। ठगा है ना भाई, सब कोई बताओ, एक बार ईमानदारी से बताइए, इस बात को आप मानते हैं ना कि भाजपा और आरजेडी ने महागठबंधन ने आपको ठगा है। ठगा है कि नहीं ठगा है? हमारा साथ चाहिए तो एक चीज हम आपसे मांग रहे हैं, इन दोनों ठगों को वोट मत दीजिए, चाहे जिसको दे दीजिए, नहीं दीजिएगा ना, उठाइए हाथ, ना दिया वोट, नहीं दियागा ना वोट किसी भी नाम पर, नहीं ना जात पर, ना धर्म पर, ना विचारधारा पर, इन दोनों ठगों को सबक सिखाने का यही समय है। ठीक बा ना, इस पर सहमति है ना भाई? प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। काहे अभी ये जरूरी है इसको समझिए। अभी 1 साल के बाद लोकसभा के चुनाव बा, दोनों जना के गर्दन फसल बा, समय का बहुत महत्व है। आंदोलन तभी सक्सेसफुल होगा, सफलता मिलेगी जब सही तरीके से सही समय पर किया जाए।
विधानसभा से पहले अगर आप आंदोलन कीजिएगा तो जे सत्ता में रही कही कि हम 15% 20% बढ़ा दे, जानते बाकी अगर हार गई नहीं तो जे अहन उभोगी हम, अगर जीत गई नहीं तो वही देखल जाए आके फिर ना दे तो का कर लिहल जाए, तब तो जीतिए गई नहीं। इसीलिए विधानसभा सही समय नहीं है, सेमीफाइनल में ही इन लोग को परास्त किया जाए, लोकसभा में अभी उपाय बा। अगर कह दल सरकार की हम राउर वेतन मान बढ़ावता नहीं तो उनका भी जो 1.5 बरिस समय बा वो काम करके दिखावे के ना हो तो गर्दन कटी उनकर विधानसभा में, कोई दूसरे पर नहीं फेंक सकता है। तो पहले इस बात को समझिए कि लोकसभा से पहले ये सबक सिखाना क्यों जरूरी है। हम पार्टी नहीं की बनैले, हमार कोनो कैंडिडेट नहीं कर आना रुआ के हम ही कहते कि जन सुराज के कोई के वोट दी, एक ही चीज कह रहे हैं कि इन दोनों को वोट मत दीजिए, यही आंदोलन की शुरुआत है। तो अगर आपने इनको हरा दिया इन दोनों दलों को तो 2 महीना के अंदर पूरा बिहार से शिक्षकों को इकट्ठा करके आंदोलन हम शुरू करेंगे और आपको वादा कर रहे हैं, आप तो हमको समर्थन देने वोट देने आते हैं, हम आपको कह रहे हैं कि हमने दल बनाने से पहले वोट लेने से पहले आपको वादा कर रहे हैं कि लोकसभा से पहले अगर आपका काम नहीं कराए इनको झुका नहीं दिया तो आपसे कभी जीवन में समर्थन मांगने नहीं आएंगे। किसी नेता ने बिहार में आपको ये ऑफर नहीं दिया होगा, हमेशा यही कहता है कि हमरा के जिताओ तब करो, हम कह रहे हैं कि आप अपने आप को जिताइए हम आपके साथ खड़े होते हैं, आपके साथ हम खड़े होते हैं। फिर भी कुछ आदमी हो यन तो यन कह रहे यो बुरबके बनाव तड़म, मान ली के रही सोचता नहीं कि हम रुवा के बुरबके बनावता नहीं, तब भी नीति भी कहती यही है कि जिन लोगों ने आपको 7-8 साल में धोखा दिया है उसको तो आपको वोट नहीं देना चाहिए। रउआ हमेशा हमने के बिहार में कह लेते कि भैया हमने के विकल्प नहीं थे, ये ऐसा चुनाव है जिसमें आपके पास 10 विकल्प है, आपके पास कम से कम हमको मालूम नहीं है कितना निर्दलीय खड़ा है, कैगो निर्दल खड़ा है, 8 निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा है, 10 खड़ा है। रउआ अपना हिसाब से जिसको भी आप जिता कर ले आइएगा, हमको ला के खाली दिखा दीजिए कि भैया है निर्दल जिता दे ले बानी, उसके बाद खाना खर्चा संसाधन रणनीति गर्दन सबसे आगे हम आपके लिए लगाएंगे, 1 निर्दल को जिता कर ले आइए, इतने मांग रहे हैं। 10 में से आप अपने में से जिसको चुन लीजिए, लेकिन अगर महागठबंधन को जिताइएगा, भाजपा को जिताइएगा तो हमारे पास मत आइएगा, इसलिए कि जब आपका चरित्र ऐसा है कि आप अपने हक और बच्चे के लिए नहीं खड़े हैं तो आप हमारे लिए कभी नहीं खड़ा होइएगा। सीधी बात है, कौनो लाग लपेट वाला बात नहीं है। अगर आप इनको वोट दीजिएगा तो हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारे पास कभी जीवन में मत आइएगा, क्योंकि आपका होना और नहीं होना बराबर है। इसी से पता चलता है कि आप शिक्षकों की ताकत, जो हमने बात हम जब शुरू कही नहीं है कि आप क्यों नहीं किसी को हरा पाते हैं, इसलिए नहीं हरा पाते हैं कि आप 5 बरिस बतियाते हैं लेकिन जहिया चुनाव हो लोकसभा के विधानसभा के जहिया वोट देवे के हो वो दिन किसी दिन आप पंडित बन जाइएगा, कोई कुशवाहा बन जाए, कोई यादव बन जाएगा, कोई वामपंथी बन जाए, कोई भाजपाई बन जाए, एक बार शिक्षक बनिए, यही तो आप हमको कह रहे हैं कि भैया हमने के सब शिक्षक एक बानी जा बानी ना। देखिए कितना गलत बात बा, इसमें बहुत सारे लोग होंगे, मैं आपको पहले हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा हूं, लेकिन आप अभी भी महागठबंधन का प्रचार कर रहे हैं, आप भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, तो आप अपने शिक्षक भाइयों के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, जो सच्चाई है उसको मानिए। आदमी कहो तो क्या करी भैया इनकर बाबूजी से हमारा बड़ा संबंध रहे, क्या करी भैया हमारा जात के बारे में, कोई हमारा से आइल रहे कहे अभी सारण में एगो पंडित जी के नाम पर वोट मांगे
ये भैया इनके के समर्थन कर दिना तो ब्रह्म हत्या हो जाए। हम उनको कहे हैं कि नहीं कर सकते हैं, जाति धर्म विचारधारा और दल से ऊपर उठ के एक बार अपनी लड़ाई में एक साथ खड़े होइए। प्रशांत किशोर के लिए नहीं, किसी दल किसी प्रत्याशी के लिए नहीं, शिक्षकों के लिए, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़े होइए, नहीं तो कभी आपको यह अधिकार नहीं मिलेगा। ये बात रुआ बुझाए तो बहुत आपका स्वागत है, और अगर आपको ये बात समझ में न आए तो आप जहां हैं वहां रहिए, जिसको वोट देना है दीजिए। एमएलसी शिक्षक में के जीतता हमारा उसे कोई मतलब नहीं है, हमको हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम तो कौनो चुनाव नहीं की लड़त, हम स्नातक का चुनाव नहीं लड़ रहे। अगर हमको दल बनाकर चुनाव लड़ना होता, चाहे निर्दलीय होकर लड़े के रही, तो सब जगह चुनाव लड़ती। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये आंदोलन का यही रास्ता है। एक बार अगर सब शिक्षक एक होकर हरा देगा तब राजनीतिक पार्टियां जो है वो आपको गंभीरता से लेगा कि भैया ये कुल एक हो गई लसन, अब हरा दिया सर। और तब लोकसभा से पहले जो हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे तो ये डरेगा और आपको गंभीरता से लेगा, नहीं तो आपको गंभीरता से लेवे नहीं करेगा, नहीं लेगा आपको गंभीरता से। जानिए रहा है कि कितनों हालत करिएगा, वोटवत लेवे करिएगा हमनी के। आपके पास अवसर है, तय आपको करना है। हमारी बात पर भरोसा हो चाहे न हो, इतना तो आपका बनता है कि जिसने आपको 7 बरस ठगा उसको वोट मत दीजिए, और वोट अगर देते हैं तो फिर अपनी दुर्दशा के लिए दूसरों का समय बर्बाद मत कीजिए। आपको कोई वेतनमान नहीं मिल सकता है, आपको कोई सुविधा आपकी सुधर नहीं सकती है। 4 लाख शिक्षक एक साथ हो जाए हम और सरकार ना डेराई, ये कभी संभव बा? बहुत आदमी कहता कि शिक्षक अलग अलग संघ में बटा हुआ है, आपके 19 संगठन हैं। दिल्ली में किसानों ने दिखाया, 18 अलग अलग किसान संगठनों ने एक मोर्चा बनाया और मोदी जी की भाजपा की मजबूत सरकार को एक साल में झुका कर दिखा दिया। दिखाया कि नहीं दिखाया? और रउआ बनैनी समन्वय समिति तो जेकरा के बनैनियों में मालिक वह बेच के निकल गई, सबको मालूम है। तो आपको बता रहे कि आप जिस संघ की राजनीति करते हैं कीजिए, लेकिन जब शिक्षकों के पेट पर लात पड़ रही है तो कम से कम उतना तो ईमानदार रहिए। एक समन्वय समिति बनाइए, हम रणनीति बनाकर देते हैं, आपको जीत निश्चित मिलेगी। अरे किसान संगठनों को कब सफलता मिली? 1.5 बरिस मोदी जी ना डगमगैल, जब यूपी में चुनाव आया तब समझ में आया कि भैया वापस लन तो यूपी पर खतरा हो जाए। तो लोकसभा इतना बड़ा इलेक्शन है, अगर अभी सरकार को लग जाए कि शिक्षक एक हो गया है, अब हो ही कैसे? रुआ मुंह से बोलब कि भैया हमने एक बार नहीं जाता, नेता सब जानता, जैसे प्रशांत किशोर जानता हूं, रहुआ जानते हैं, नेतो जानता हूं कि एक नहीं खन जाए लोग। जब तक सरकार को यह नहीं लगेगा कि आप एक हैं, तब तक आपसे वो डरेगा नहीं, आपकी बात मानेगा नहीं। तो आप हमारे लिए नहीं, अपने लिए एक होइए। और लोकतंत्र में एक होने का मतलब है वोट, लोकतंत्र में एक होने का मतलब भाषण नहीं है। रहुआ क्षेत्र में हमारा कोई बतावत कि नया शिक्षा के नेता भइल बालन बालू माफिया, हमारा के आदमी आज कहता कि 20-20 हजार के भैया रेट खुलल बा। तो हम कहते नहीं कि शिक्षक इतना बेवकूफ नहीं है, 80 हजार के जगह 35 हजार रुपया के वेतन मान पाव तनी, तो 20 हजार तो एको महीना के नाम पूरा भई। लेकिन बहुत चलाक आदमी के यो बुझाते कह रहे मिली तो मिली, पहले 20 हजार रख ली। तो 20 हजार रख ली, हम वक्त कहते नहीं गुरु जी रख ली, लेकिन भोटवा जाके वही दवाई जहां की रवा के 85 हजार के व्यवस्था भी होके दोनों काम कीजिए। लोकतंत्र में आपके साथ धोखा किया है तो आप भी उसको सूद समेत वापस कीजिए। 20 हजार देता रहा, बिल्कुल ले लीजिए, जेब में ले लीजिए, आपका हक है।
आपके बच्चों का हक है, लीजिए 20,000 रुपया लूटा है तो। लेकिन लेकिन 20,000 रुपया खाती, 20,000 रुपया खाती 6 लाख के 50,000 रुपया महीना के हिसाब से 6 लाख होता, 20,000 रुपया में 6 लाख के सौदा ना होई, ना होई, नहीं ना होगा भाई। अरे जे बालू बेचले बहु 20,000 दे जाओ खाए पिए के, गुरु जी बानी जो दक्षिणा इतना तो बनते बा, जो दे रहा है बिल्कुल लीजिए, कैमरे पर कह रहे हैं वो गेहूं बेच के नहीं लाई पैसा, वो मास्टर साहब इसमें 6 घंटा पढ़ा के ट्यूशन पैसा नहीं जुटैले, बालू बेच के ले आई बड़ा उनका से लिया जाओ पहले, और फिर जाकर वहां कलम ठीक चिचरी खींचिए, ओके चाहिए ना। तो इतना आदमी रोबा जुटल बानी, इतना आदमी तो गलत नहीं बोलेगा। अब आप लोग तय कर लीजिए, हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा, निर्दलीय जिस दल लेकर आइएगा, जहां पर भी हम रोडे पर हैं कोई हमको रोकने वाला नहीं, आप आके हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा अगर आपका काम नहीं करा दिए। अगर आपका काम नहीं कराए लोकसभा से पहले तो मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा, लेकिन आइएगा निर्दल के साथ, ठीक बा ना, दिल बा ना, ठीक होना चाहिए ना भाई, एक बार बता दीजिए, अब फिर में गलती ना होके के चाहिए ना, ना होई। तो हतना आदमी रहो सब बानी जा, उन्हें हमारा जीत हार से मतलब नहीं है, लेकिन रोबा के देखल जी हमने के बैठल जी तो 19,000 हमारा के कोई बतैल सकी वोट बा, अगर 5-7 हजार वोट भी भाजपा को महागठबंधन को मिल रहा है तो कम से कम वो 5-7 हजार शिक्षक तो जरूर अपने बच्चों को और अपने समाज के साथ धोखा कर रहा है, कर रहा है ना भाई। जब आप खिचड़ी खींचिएगा महागठबंधन के सामने तो आप अपने बच्चे की किस्मत पर खिचड़ी खींच रहे हैं, याद रखिएगा, और नहीं तो आप अपने लिए खड़े होइए, और 2 महीना ना जाए देव जीत कैला के बाद इनकर इतना ईट से ईट बजा देव कि राहुल लोकसभा से पहले 6 महीना में काम हो जाए, एक ज्यादा समय ना लगे, भरोसा रखिए, तब एक के खत्म कर जाओ ना, आपका आश्वासन है ना। महागठबंधन और भाजपा को 0 वोट आना चाहिए, 0 वोट, आ जैन शिक्षक देता रंग, जो शिक्षक इनको वोट देगा वो अपनी जिम्मेवारी फिर समझेगा, उसको सब समाज से बायकाट होना चाहिए। सामने से आदमी आज कहता शिक्षक जिंदाबाद, अब पीछे जाके डील करता महागठबंधन से भाजपा से के भैया हमारा के एमएलसी बना दो, हे भैया डीओ से हमारा के बढ़िया पोस्टिंग दिलवा दो, नहीं होना चाहिए, मत कीजिए, हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, ये मजाक की बात नहीं है, ये आपके भविष्य का सवाल है, आप ये एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। हम बिहार में गांव गांव जाकर हम ये तो कहता नहीं, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए, शिक्षकों का जो समाज है आप सबसे प्रबुद्ध समाज है, आप ये उदाहरण पेश कीजिए कि बिहार में शिक्षकों ने सबसे पहले ये करके दिखाया, जाति धर्म विचारधारा सबसे ऊपर उठकर अपने और अपने बच्चों के लिए लोगों ने वोट किया, ये करके दिखाइए, और आपके लिए पूरी ताकत शक्ति संसाधन सब आपके पीछे लगाएंगे भाई ना बात। तो हम शाहबाद ऐसे तुल्य बने कि हमारे जन्मभूमि बा शाहबाद, वहीं से आते हैं, सासाराम में जन्म भइल बा, बक्सर में रहल पढ़ल बानी, हमको गया शेरघाटी औरंगाबाद में पूरा बचपन बीता है, आपसे हमारा भरोसा है, हमारा यकीन है, शाहबाग में पदयात्रा में सबसे अंतिम में रख ले बानी, आदमी कहता भैया लास्ट में जाए जा, हम कहता नहीं कि अपना घर में वोट मांगे ना जाए, आपके आपसे मांगने नहीं आएंगे, आपको खड़ा होना है हमारे लिए, आपको खड़ा होना है, आप जिता कर लाइए और आपका भाई आपका बेटा आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके हक को मारने नहीं देंगे, चाहे आप वित्त रहित के हैं कि नियमित हैं कि नियोजित हैं,
उत्क्रमित में पढ़ाते हैं या सामान्य में पढ़ाते हैं, आपकी पूरी चिंता हम करेंगे। वोट लेने के लिए नहीं, काहे कि हमारा मालूम है कि आपकी चिंता करेंगे। एक बार आपको एकजुट कर दिया तो हमको इसका रणनीति ही समझ लीजिए। हमको मालूम है कि एक बार शिक्षक एक साथ हो गए तो पूरा बिहार हम एक साथ कर सकते हैं। शिक्षक ना, शिक्षक एकता जिंदाबाद तो नारा 10 वर्ष से लागता। एक बार एकता दिखे के चाहिए वोट में, लेकिन अगर एक हो जाइएगा तो आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। हम पश्चिम बंगाल में चुनाव कराए हैं, हाई स्कूल के जो हेडमास्टर हैं वो सबसे विधानसभा में ताकतवर आदमी उसको माना जाता है। 100 से ज्यादा शिक्षक बंगाल में आज भी विधायक हैं, आपको बता रहे हैं सूचना के लिए। शिक्षकों का इतना सम्मान है, एक एक विद्यालय में हजार हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके परिवार के लोग आपसे जुड़े हुए हैं। हम आपको इकट्ठा करके आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं, अपने लिए रास्ता आसान बना रहे हैं। एक बार आप साथ में आ जाइएगा, एक बार बाघ बकरी सब पानी पिए लगिए घाट पर, तो अपने आप उपाय हम कर ले। तो आप एक बार आशीर्वाद दीजिए, अपने बच्चों को अपनी किस्मत के लिए खड़े होइए और तय कीजिए कि एगो कोई निर्दलीय को जिता कर लाइए। यही कहने के लिए आपको इतना कष्ट दिए हैं। आप 5-6 घंटा गाड़ी से चलकर आए हैं, अभी आपको वापस भी जाना है, हम माफी चाहते हैं। अगर पदयात्रा में कोनो उपाय रहित आवे के तो हम ही आते आपके यहाँ, लेकिन आप जीत कर आइए। शिक्षक जीत कर आना चाहिए, बालू माफिया शराब माफिया मत जिताइए। ये बिहार के लिए, बिहार के शिक्षकों के लिए, उनके बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है। ये क्या छवि बनेगी कि शिक्षकों ने 20-20 हजार रुपए के लिए अपना ईमान बेच दिया, उससे आपकी छवि बनेगी कि बिगड़ेगी? समाज में जो रहा सहा है वो भी चला जाएगा। कि अब शिक्षक लोग के ई दशा हो गई बाकी अब बालू माफिया के वोट देता हम जा। तो आपको मंत्र हम आप दूसरों को पढ़ाते हैं, हम आपको क्या पढ़ाएंगे? आपको कह ही दिया कि उस लालच में न पड़े, फिर भी आकर कोई व्यवस्था साधन दे रहा है तो ले लीजिए, लेकिन वोट अपने अधिकार, अपने भविष्य और अपने बच्चों के लिए दीजिए, किसी निर्दलीय को जिता कर लाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा एक नारा लगाकर, जय बिहार जय बिहार जय बिहार। इसी साल ये हक हम लोग लेकर रहेंगे, ये मेरा भरोसा आप रखते जाइए।